स्वामी विवेकानंद मद्रास अभिनंदन उत्तर स्वामी विवेकानंद कहते भद्र महोदयगण गोटे कथा अच्छी मनुष्य नाना विध संकल्प करे किंतु ईश्वर कार्य संपादन करती व्यवस्था होता जे अभ्यर्थना इंग्राजी धरण रेब किंतु एठारे ईश्वर विधान कार्य होची गीता धरण रे मु रथ उपर इतस्तत विक्षिप्त श्रोतृमंडली समक्ष वक्तृता करूछि अतएव एपरी जे घटिला से मु ईश्वर को धन्यवाद देउछि एथिरे वक्तृतार शक्ति आसीब मु तुम मानंकु जहा कहिबाकु जाउछि सेही कथा गुडीक भितरे गोटाए शक्ति आसीब मु जाने नाही मोर स्वर तुम समस्त निकटरे पहुँचिब कि नाही तेबे जेते दूर संभव मु चेष्टा करी एहा पूर्वरु आउ केबे मु खला पड़िया रे बड़ सभा रे वक्तृता देवार सुजोग पाई नाही कोलंबरु मद्रास पर्यंत लोके मो प्रति जेपरी अपूर्व सदय व्यवहार करिछंती जेपरी परम आनंद उत्साह सहकारे मोर अभ्यर्थना करिछंती एवं समस्त भारतवासी मध्य जेपरी करिवे बोली बोध होउछि मु कल्पना रे मध्य एपरी अभ्यर्थना पाइबार आशा करी नाही किंतु एथिरे मोर केवल आनंद ही होउछि कारण एहा द्वारा पूर्वे बारंबार मो द्वारा उक्त सही कथार ही सत्यता प्रमाणित होउछि जे प्रत्येक जातिर जीवनी शक्ति गोटे गोटे विशेष आदर्श रे प्रतिष्ठित प्रत्येक जाति विशेष विशेष निर्दिष्ट पथरे चली थाए एवं धर्म ही भारतवासींकर सही विशेषत्व पृथ्वीर अन्यान्य स्थान रे अन्यान्य अनेक कार्य मध्य रे धर्म गोटे प्रकृत पक्ष रे ताहा जीवनर अति क्षुद्र अंश मात्र अधिकार करिथाय जथा इंग्लैंड रे धर्म सेमानंकर राजनीतिर अंश विशेष मात्र इंग्लिश चर्च इंग्लैंड राजवंशर अधिकारभुक्त सुतरां इंग्रेज माने सेथिरे विश्वास करंतु बा न करंतु ताहाकु सेमानंकर चर्च मने करी सेमाने ताहार पोषकता अव्यय निर्वाह आदि करिथांती प्रत्येक भद्रलोक और भद्र महिला उक्त चर्चर अंतर्भुक्त होवा आवश्यक ताहा भद्रतार परिचायक अन्यान्य देश संबंध रे मध्य तद्रूप जेउठारे कौनसी प्रबल जातीय शक्ति देखा जाए ताहा हुए तो राजनीति बा कौनसी प्रकार विद्या चर्चा बा समर नीति बा वाणिज्य नीति उपरे प्रतिष्ठित पुणी जहा उपरे ताहा प्रतिष्ठित सेथिरे सही जातिर प्राणस्पंदन अनुभूत होइथाय ताहा होची सेमानंकर मुख्य जिनिष एहा व्यतीत सेमानंकर अनेक गौण पोशाकी जिनिष अछि धर्म सेमानंक मध्यरु अन्यतम एठारे एही भारतरे धर्म जातीय हृदयर मर्मस्थळी एही भित्ति उपरे ही जातीय प्रसाद प्रतिष्ठित राजनीति प्रभुत्व एपरिकि विद्याबुद्धिर चर्चा मध्य एठारे गौण मात्र सुतरां धर्म ही एठाकार एकमात्र कार्य एकमात्र शक्ति भारतीय जनसाधारण जगतर कौनसी संवाद रखती ना सत सतबार मु एक कथा सुनी अच्छी कथा सत कोलंबोरे जेतेबेले ओल्हाइली सेतेबेले देखिली यूरोप रे जेऊ समस्त गुरुतर राजनैतिक परिवर्तन घटुछि जथा मंत्री सभार पतन प्रभृति विषय संबंध रे साधारण लोक कौनसी संवाद रखती ना सेमानक मध्यरु जणे हेले सोशियालिज्म आनार्किजिम प्रभृति शब्दर एवं यूरोप रे राजनैतिक क्षेत्र रे जो विशेष विशेष परिवर्तन घटुछि सही सही परिवर्तन ज्ञापक शब्द गुड़िकर अर्थ कौन ताहा जानती नाही किंतु भारतवर्षरु चिकागो धर्म महासभा को जणे सन्यासी प्रेरित होइथिले एवं से केतेकांश रे कृतकार्य मध्य होइछंती ए कथा सिंघळर आवाळ वृषभनिता शुणिछंती एथिरु प्रमाणित होउछि जे सेमानंगर संवाद संग्रह बा संवाद संग्रह पई आग्रहर अभाव नाही तेबे सेई संवाद सेमानंक उपयोगी हेवा दरकार सेमानंकर जीवन यात्रा रे जेउ समस्त विषय अत्यावश्यक
तदनुजाई किछि हेबा दरकार। राजनीति प्रभृति विषय केबे हेले भारतीय जीवनर अत्यावश्यक विषय बोली परिगणित हुए नाही। केवल धर्म अवलंबन रे ही भारत चिरकाल बंची अछि, उन्नति करिछि एवं एहार सहायता रे ही भविष्यतरे तहा जीवन धारण करिव। जगतर सकल जाति दुईटी बड़ बड़ समस्यार समाधान रे निजुक्त, भारत ताहा मध्यरु गटिगर मीमांसारे एवं जगतर अन्य समस्त जाति अपरटीर मीमांसारे निजुक्त। वर्तमान प्रश्न एही दुई पथ मध्यरु केउटी जयी हेबो, केउथिरे जाति विशेष दीर्घ जीवन लाभ करे, केउथिरे बा अपर जाति अतिशीघ्र विनाशप्राप्त हुए। जीवन संग्राम रे प्रेमर जयी हेबो ना घृणार जयी हेबो, भगर जयी हेबो ना त्यागर जयी हेबो, जड़ जयी हेबो ना चैतन्य जयी हेबो। ए सम्बन्धरे ऐतिहासिक जुगर अनेक पूर्वरु आमर पूर्वपुरुषगण जेपरि सिद्धांत करि जाइछन्ति, आमर मध्य से विश्वास किंवदंती मध्य जो अतीतर घन अंधकार भेद करने असमर्थ से ही अति प्राचीन कालरु आमर महिमामय पूर्वपुरुषगण यही समस्या समाधान करने अग्रसर होती। से माने जगत निकटरे सेमानंकर सिद्धांत प्रकाश करी जदि कहार साध्य थाए तार सत्यता खंडन करने आह्वान करी। आमर सिद्धांत यही त्याग प्रेम और अप्रतिकार जगत रे जयी हेबार संपूर्ण उपयुक्त। इंद्रिय सुखर वासना त्यागी जाति दीर्घजीवी हो पारे, यार प्रमाण स्वरूप देख इतिहास आज प्रति शताब्दी रे असंख्य नूतन नूतन जातिर उत्पत्ति और विनाशर कथा आमको जनाऊँ। शून्य रु सेमानंगर उद्भव किछि दिन पई पाप खेल खेली पुणी सेमाने शून्य रे विलीन हो जाउछंती। किंतु एही महान जाति अनेक दुर्भाग्य विपद और दुख भार सत्ते एवे मध्य जीवित रही अछि, कारण एही जाति त्यागर पक्ष अवलंबन करिछि। पुणी त्याग व्यतीत धर्म किपरि रही पारे? यूरोप एही समस्यार अन्य दिगटीर मीमांसा पई चेष्टा करुछि। मनुष्य केते भोग करि पारे, कौनसी उपाय रे भलमंद जे कौनसी उपाय रे मनुष्य केते अधिक क्षमता लाभ करि पारे? निष्ठुर हृदयहीन सहानुभूति शून्य प्रतियोगिता यूरोप्र मूलमंत्र। आमे किंतु वर्णाश्रम धर्म द्वारा से ही समस्यार मीमांसा पई चेष्टा करुछु। एही वर्णाश्रम धर्म द्वारा ही प्रतियोगितार नाश हुए, एहा ही ताहार शक्ति को खर्ब करे, एहा ही ताहार निष्ठुरता ह्रास कराए। एहा द्वारा ही एही रहस्यमय जीवन मध्य देई मानवात्मार गमन पथ सरल और मसृण होता है। बंधुगण मु तुम मानर अद्भुत उत्साह देख बड़ सुखी है, मन करना मु तुम मान प्रति किसी असंतुष्ट होर तुम मानर उत्साह देख मु अति सुखी होती। मुँह चाहे प्रबल उत्साह तेब ताकु स्थायी करने को हेब, सजत्न यहाँ रक्षा करने को हेब, जेपरी एही उत्साह अग्नि केबे हेले लिभि न जाए। आमको भारत रे बड़ बड़ कार्य करने को हेब, से मु तुम मानर साहय चाहे, यहीपरि उत्साह आवश्यक। पुणी सभार कार्य चलिबा असंभव, तुम मान सदय व्यवहार एवं स्व उत्साह अभ्यर्थना पई मु तुम मान अशेष धन्यवाद देउछि। आमे अन्य समय रे धीरे सुस्थे आम मानर परस्पर चिंता विनिमय करिबा। बंधुगण वर्तमान विदाय। सबुआड़े तुम्हें माने जपरि शुणिपारिब सेपरि भावरे वक्तृता करिबा असंभव होइ पड़िछि। सुतरां आज अपराह्नरे मते केवल मात्र देखि तुम मानंकु संतुष्ट हेबाकु पड़िब। सुविधा अनुजाई वक्तृता अन्य समय रे भविष्यतरे हेब। तुम मानंकर उत्साह अभ्यर्थना पई पुणी थरे मु तुम मानंकु धन्यवाद देउछि। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत्।